नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल विकास क्लासेज में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि देखिए, आपके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है जो 2019 में कक्षा 10वीं और 12वीं के एग्ज़ाम दिए हैं। जो छात्र दिए हैं उनके साथ बहुत ही बड़ा धोखा हुआ है, खासकर मेघावी छात्रों के साथ। तो यहाँ पर ये न्यूज़ निकल कर आ रही है, तो जिन्होंने स्क्रूटनी का फॉर्म जमा कर दिया है उनके लिए तो कोई दिक्कत ज़्यादा नहीं हुई है, लेकिन जिन्होंने नहीं जमा कर पाया, डेट चली गई और या जिनके पास पैसे नहीं थे, उन्हें बहुत ही दिक्कत हुई। जो टीचर कॉपी जांचे वो सही से नहीं जांचे और पूरा नंबर चढ़ा दिया गया है, ठीक है, यानी नंबर बहुत ही कम चढ़ाया गया है। टीचरों ने कॉपी सही से नहीं जांची थी पैसों के चक्कर में, तो ये टीचर भी क्या हद कर देते हैं। देखिए यहाँ पर लड़कों की ज़िंदगी कैसे ख़राब कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर कुछ न्यूज़ निकल कर आई, वही हम आपको बताएँगे कि यहाँ पर देखिए, आप देख सकते हैं कि यूपी बोर्ड के हाई स्कूल व इंटरमीडिएट की परीक्षा में हद दर्जे की लापरवाही हुई है, ठीक है, बहुत ही लापरवाही हुई है। शिक्षकों ने कॉपी को पूरा जांचे बिना ही नंबर चढ़ा दिए, ठीक है, यानी शिक्षकों ने कॉपी नहीं जांचा और पूरा नंबर जो है चढ़ाया बिना देखे, यानी किसी का कम हो गया किसी का जीता, यानी जो मेघावी छात्र थे जिन्होंने पूरे रिप्रेजेंट किया उन्हें बहुत ही कम अंक मिले हैं। तो देखिए यहाँ पर, और यहाँ पर क्या है, इसका सबसे अधिक नुकसान मेघावी छात्रों को हुआ, क्योंकि जितने अंक उन्हें मिलने चाहिए थे उतने अंक नहीं मिले। ऐसा एक मामला कानपुर के छात्र ऋतिक जोशी का सामने आया। क्या आया, देखिए, इंटर के इस छात्र की कॉपी में बड़े पैमाने पर लापरवाही हुई, यानी इसकी कॉपी सही से नहीं जांची गई और ये बहुत ही मेघावी छात्र था जिससे ये पूरा कॉपी यानी रिप्रेजेंट किया था, लेकिन इसने क्या किया कि स्क्रूटनी का फॉर्म भर दिया जिससे इसकी कॉपी पुनः चेक हुई और इसे पूरे अंक मिल गए, जिससे पता चल गया कि कॉपी को सही से नहीं जांचा गया, तभी तो पता चल गया। तो देखिए आगे क्या न्यूज़ निकल के आई है कि देखा अधिकार अधिनियम RTI के तहत उसने कॉपी देखी तो गड़बड़ी वक्त का खुलासा हुआ, यानी उसने जो स्क्रूटनी का फॉर्म भरा जाता है दोस्तों यहाँ पर, तो उसने स्क्रूटनी का फॉर्म भर दिया और वहाँ पर बहुत ही बड़ा खुलासा हुआ कि उसकी कॉपी सही से नहीं जांची गई। तो आगे आप देख सकते हैं कि श्रीमती शिवकली देवी इंटर कॉलेज मंगलपुर, यहाँ पर देखिए, कानपुर देहात के छात्र ऋतिक, यानी इसका रोल नंबर ये है, ने सचिव नीना श्रीवास्तव को, यानी जो हमारे यूपी बोर्ड की क्या है सचिव हैं नीना श्रीवास्तव जी को, पत्र देकर पुनर्मूल्यांकन करने का अनुरोध किया। तो मैं बता दूं, जिन्होंने पुनर्मूल्यांकन करने का अनुरोध कर दिया था उनको तो अपनी सही नंबर मिल गए, लेकिन जिन्होंने नहीं कर पाया, डेट चली गई या उनको नहीं पता था कि भर जाता है, तो उन्हें बहुत ही बड़ा नुकसान हुआ, जैसा मेरे साथ भी हुआ था। तो आप देख सकते हैं कि मैं नहीं जानता था कि मतलब कि स्क्रूटनी का फॉर्म होता भी है या नहीं, तो जिससे मैंने भी अपने नंबर के लिए नहीं भर पाया था। ऐसे ही नुकसान सभी छात्रों को झेलना पड़ रहा है ऐसे टीचरों की लापरवाही के साथ। तो देखिए यहाँ पर कुछ और है कि ऋतिक का कहना है कि उसे गणित, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान विषय में कम अंक मिले थे, ठीक है, और आगे दिया गया है कि भौतिक विज्ञान में 3 नंबर के एक प्रश्न को जांचा ही नहीं गया, यानी 3 नंबर का जो प्रश्न था उसे जांचा ही नहीं गया, जबकि कई अन्य प्रश्नों में जितने अंक मिलने चाहिए थे उससे कम मिले, ठीक है। ऋतिक को 2019 की इंटरमीडिएट परीक्षा में 500 में से 438 यानी 87.6% अंक मिले हैं। अमूमन इतने अंक मिलने के बाद शायद ही कोई छात्र अपनी कॉपी देखने की इच्छा जताएगा, यानी जो छात्र होते हैं क्या इतने अंक पा जाते हैं और सोचते हैं हमारा नंबर सही आ गया, लेकिन वो ज़्यादा रिप्रेजेंट किए होते हैं जिससे डर जाते हैं तो यानी पुनः कॉपी नहीं जाता, लेकिन जिसके पास बहुत ही विश्वास है वह पुनः कॉपी जचा सकता है, लेकिन बहुत से छात्र होते हैं उनके पास पैसों की दिक्कत होती है या घर परिवार वालों के, तो वो भी नहीं जचा पाते, जिससे इन टीचरों की लापरवाही की वजह से उनको बहुत ही नुकसान झेलना पड़ रहा है। तो आप इस वीडियो को और देखिए आखिरी तक, और देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अमूमन इतने अंक मिलने के बाद ये देखिए कोई भी छात्र कॉपी नहीं जचाएगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पर कहना आ रहा है, लेकिन उसे भरोसा था, देखिए ऋतिक को भरोसा था कि कॉपी सही नहीं जांची है, इसलिए RTI में कॉपी निकलवाई, उसने RTI में कॉपी निकलवाई। ऋतिक के पिता अनिल कुमार का कहना है कि 2017 की हाई स्कूल परीक्षा में भी उसकी कॉपी सही से नहीं जांची गई थी, यानी हाई स्कूल जब
परीक्षा दिया था उसकी कापी तब भी सही से नहीं जांची गई थी। तो ये शिक्षकों को यानी जो टीचर होते हैं जांचने वाले, उनको पर कापी के हिसाब से पैसा मिलता है, तो वो जल्दी जल्दी जांच देते हैं पैसों के चक्कर में, तो उनके ऊपर बोर्ड को कड़ी कार्रवाई करनी होगी, तो जिससे उनको पता चल सके। तो करेंगे, ये तो हमें पता है। तो अब देख सकते हैं कि जब तक मूल पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करते तब तक बोर्ड ने कापियाँ जला दी थी। यानी जब यानी 2017 में जब हाई स्कूल की परीक्षा रितिक ने दी थी, तो जब यानी स्कूटनी का फॉर्म जमा किए तब तक बोर्ड ने कापियाँ जला दी थी, यानी डेट चली गई थी। तो ऐसे ही छात्र बहुत से फंस जाते हैं जो नहीं जानते हैं और फिर डेट चली जाती है, तो बहुत ही उन्हें पछतावा होता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप यानी रीचेक कापी तुरंत करवाएं अगर आपको थोड़ा सा भी शक है, ठीक है। तो और देखिए, दसवीं का संशोधित रिजल्ट 6 अप्रैल 2018 को मिला था, ठीक है। और देखिए यहाँ का क्या कहना है, इनका कहना है यानी श्री नीना श्रीवास्तव यानी सचिव यूपी बोर्ड, जो सचिव है यूपी बोर्ड की, ने कहा बोर्ड में मूल्यांकन का प्रावधान नहीं है, ठीक है। बोर्ड में पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान नहीं है, जो बोर्ड में पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान नहीं है। ऋतिक की कॉपी पर विशेषज्ञों की राय लेंगे, ठीक है। यानी जो ऋतिक है विशेषज्ञों की राय लेंगे और जरूरत पड़ी तो परीक्षा समिति में रखकर निस्तारण करेंगे, दोषी मिलने पर संबंधित शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई की होगी। तो यहाँ पर ये न्यूज़ निकल कर आ रही थी दोस्तों, तो मैंने सोचा आपको बता दिया जाए कि आपके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। अगर आप और या कभी भी दिए हैं एग्ज़ाम, अगर आप स्क्रूटनी का फॉर्म नहीं भरते तो आपके कम अंक मिलते हैं, और जो छात्र नहीं पढ़ते हैं ज़्यादा या नहीं एक भी नहीं पढ़े होते हैं, वो भी क्या है, उनको भी ना अंक मिल जाता है बिना जांचे कापी, जब अंक चढ़ाए जाते हैं। तो कैसी लगी यह वीडियो और यह न्यूज़, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको यह न्यूज़ अच्छी लगेगी। अगर आप अगली बार एग्ज़ाम दें तो आप ज़रूर देखें, अगर आपके थोड़ा सा हिस्सा का कि अंक कम मिले हैं तो आप प्लीज़ अपनी कापी तुरंत रिजेक्ट के लिए करवाइए, जब तक यानी आखिरी डेट रहे, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप ऐसा ही करेंगे अगली बार। तो चलिए, आज तक के लिए इतना ही। तो मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियो आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे, अगर शेयर करते हैं तो आपकी अति कृपा होगी। तो चलिए, आज तक के लिए इतना ही। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।